और बजट से हर वर्ग को उम्मीदें रहती है। सरकार हर साल अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए राहत लेकर आती है, लेकिन नौकरी पेशा लोगों का इंतजार काफी लंबा हो गया है। हालांकि ये संकेत मिल रहे हैं कि मोदी सरकार इस बजट में उन्हें सरप्राइज दे सकती है और यह सरप्राइज इनकम टैक्स को लेकर हो सकता है। बस कुछ ही घंटे बचे हैं और मोदी सरकार के बजट का पिटारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथ में है, जो खुलने वाला है। साथ ही साफ होने वाली है तस्वीर उन उम्मीदों की जो नौकरी पेशा लोग पिछले कई सालों से लगाए बैठे हैं। इन्हीं उम्मीदों का असर है कि इस बार मोदी सरकार से बजट में सरप्राइज मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। नौकरी पेशा लोगों की सबसे बड़ी उम्मीद टैक्स स्लैब को लेकर रहती है। इस बार एक्सपर्ट्स की राय क्या है वो आपको दिखाते हैं। ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है। टैक्स स्लैब में बदलाव से टैक्स पेयर्स को राहत मिल सकती है। निर्मला सीतारमण अपने चौथे बजट में क्या क्या बदलाव कर सकती हैं? जानकारों ने सरकार के संकेतों को कैसे पकड़ा है और क्या अनुमान लगाए हैं वो देखिए। ये उम्मीद की जा रही है कि इनकम टैक्स में छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख तक करने का ऐलान हो सकता है। सीनियर सिटीजन के लिए छूट की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख की जा सकती है। टैक्स के मौजूदा टॉप स्लैब को 15 लाख के ऊपर किया जा सकता है। नौकरी पेशा लोगों को हर बार मोदी सरकार से उम्मीदें रही हैं, लेकिन आखिरी बार मोदी सरकार में इस वर्ग को फायदा साल 2014 में मिला था, जब तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इनकम टैक्स में छूट की लिमिट बढ़ाकर 2 लाख से 2.5 लाख की थी। उसके बाद से इंतजार काफी लंबा हो गया है। फिलहाल टैक्स पेयर्स के पास दो विकल्प हैं, एक 2020 से पहले की व्यवस्था और दूसरी साल 2020 में केंद्र सरकार की तरफ से आई नई टैक्स व्यवस्था। इस व्यवस्था के तहत टैक्स छूट और कटौती को छोड़ने के इच्छुक लोगों के लिए टैक्स की दरें कम कर दी गई थी। पुरानी और नई व्यवस्था दोनों में ही 2.5 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता। 2.5 से 5 लाख पर दोनों व्यवस्थाओं में 5% टैक्स लगता है। पुरानी व्यवस्था में 5 से 10 लाख की कमाई पर 20% टैक्स लगता है, जबकि नई व्यवस्था में यहाँ पर 2 स्लैब है। 5 लाख से 7.5 लाख की कमाई पर 10% और 7.5 से 10 लाख की कमाई पर 15% टैक्स देना पड़ता है। इसी तरह पुरानी व्यवस्था के तहत 10 लाख से ऊपर की कमाई पर 30% टैक्स लगता है, जबकि नई व्यवस्था में यहाँ भी कई स्लैब है। 10 लाख से 12.5 लाख पर 20%, 12.5 लाख से 15 लाख पर 25% और 15 लाख से ऊपर की कमाई पर 30% टैक्स देना पड़ता है। मतलब ये कि पिछले 8 साल में मोदी के कार्यकाल में नौकरी पेशा वर्ग को टैक्स में राहत के नाम पर बस 2014 में ही थोड़ा राहत मिली, बाकी बीच बीच में छोटी राहत मिलती रही है। लेकिन अब इस वर्ग को मोदी सरकार से एक बड़ी उम्मीद है और ये उम्मीद टैक्स छूट के स्लैब में बड़ा जंप करने की है। अब देखना है कि आज निर्मला सीतारमण अपने बजट में इस उम्मीद को पूरा करती हैं या नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।